भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की मौजूदगी में पूर्व कर्नल बीके सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मौके पर महिलाओं की भी संख्या काफी रही। सदस्यता ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व कर्नल वीके सिंह सहित कांग्रेस के पूर्व नेता हरीश तिवारी ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सैकड़ों की संख्या में पार्टी का दामन थामने प्रदेश कार्यालय पहुंचे लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सभी को बारी बारी से बीजेपी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। देखिए, जिंदगी में आदमी जो कुछ भी काम करता है उसका एक पर्पस होता है। आप फैन सीटर बन करके आपके सामने लोग गलतियां कर रहे हैं, समाज में कुछ हो नहीं रहा है, विकास हो नहीं रहा है, और आप घर में बैठ करके राजनीतिज्ञों को गाली दें और खुद कुछ ना करें, तो मैंने सोचा कि नहीं, हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए, जितना हो सके कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब बात है कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अभी आप बताइए, एक पार्टी है जिसमें मोदी जी उनके नेता हैं, अमित शाह जी हैं टाइगर आदमी, योगी जी काम कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री का काम देखिए। ऐसे लोगों को हाथ मजबूत करना हर आदमी का कर्तव्य है। 70 साल में देश में क्या से क्या हो गया, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए 14 के बाद से क्या हो रहा है। तो ऐसे आदमी का हाथ अगर मजबूत ना करें, घर में बैठे रहें, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, लेट्स गो ऑल आउट एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री एंड फॉर दिस पार्टी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।